गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास टेंथ है और चैप्टर आपका है आज पाइप बाइनरी अर्थमैटिक। जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी अंकगणित, आज ये चैप्टर आपका नया है। चैप्टर पाइप है बाइनरी अर्थमैटिक मींस बाइनरी अंकगणित, और ये आपका पार्ट आज होगा फर्स्ट। ये पार्ट आपका फर्स्ट है, इसमें पहली हेडिंग होती है बिट्स। पहली हेडिंग है बिट्स की। क्वेश्चन आता है बिट्स किसे कहते हैं, पहली ही हेडिंग है बिट्स। तो देखो बिट्स क्या होता है, बिट्स मीन्स होता है जब किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जीरो और वन का प्रयोग किया जाता है उसे बिट्स कहा जाता है। कि आप जानते हैं जो बाइनरी संख्या होती है जीरो और वन उसे हम लोग बिट्स कहते हैं। अब बिट्स का फुल फॉर्म होता है कि बाइनरी डिजिट। जो बिट्स का फुल फॉर्म होता है वो बाइनरी डिजिट्स होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा 1101101 मीन्स बिट्स होता है जहां पर जीरो और वन लिखा जाता है। यहां पर देखिए जीरो और वन के सिवाय कोई दूसरी संख्या नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं बिट्स। तो बिट्स मीन्स क्या होता है कि जब किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जीरो और वन का प्रयोग किया जाता है तो उसे बिट्स कहा जाता है। अब बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट्स मीन्स दो ही बाइनरी में डिजिट्स होती है जीरो और वन। ये आपका फॉर एग्जांपल है। दूसरी हेडिंग आती है बाइट। दूसरी हेडिंग आपका है बाइट। देखिए बाइट क्या होता है, आठ बिटों के समूह को एक बाइट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिट्स। बिट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बिट्स मीन्स होता है जीरो और वन। बिट्स मीन्स होता है जीरो और वन। तो अब यहाँ देखिए बिट्स आठ बिटों के समूह मीन्स जीरो वन कितनी बार होना चाहिए, आठ बार। तो आठ बिटों के समूह को बाइट कहा जाता है। अब बाइट का फुल फॉर्म होता है बाई प्लस एट होता है। बाइट का फुल फॉर्म बाइट प्लस एट होता है। तो देखिए बाइट आठ बिटों का समूह होता है मीन्स जीरो और वन को आठ बार लिख देंगे तो वो एक बाइट हो जाएगी। और जो बाइट होता है किसी एक करेक्टर को प्रदर्शित करता है, जैसे ए हुआ तो एक बाइट का होता है मीन्स आठ बिट्स के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1011011 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ए आपका हो गया एक बाइट। ए आपका है एक बाइट क्योंकि देखिए 01 कितनी बार है, आठ बार। अगर आप कहते हैं सर मान लीजिए आठ बार ना हो, छह ही बार हो, पांच ही बार हो, तो आपका बाइट ना होकर बिट्स ही रहेगा क्योंकि बाइट में आठ बिट मस्ट है होंगे। अगला है, ये पहला है, ये दूसरा, और तीसरा होता है निबल। तीसरा होता है आपका निबल। अब देखिए निबल क्या होता है, निबल चार बिटों के समूह को, चार बिटों के समूह को निबल कहा जाता है। निबल या मीन्स एक निबल कहा जाता है।
चार बिटों के समूह को एक निबल कहा जाता है। मीन्स 01 कितनी बार होना चाहिए, चार बार, 1101। तो देखिए चार बार 01 है, 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया एक निबल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक बाइट में कितने निबल होते हैं, तो एक बाइट में 2 निबल होते हैं। एक बाइट में 2 निबल होंगे, एक बाइट इज इक्वल टू 2 निबल। क्यों? क्योंकि निबल 4 बिट्स का समूह होता है, बाइट 8 बिट का समूह होता है। तो निबल क्या होता है, 4 बिटों के समूह को निबल कहा जाता है, या एक बाइट के बराबर 2 निबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज और आप लोग के दिमाग में होगा कि सर ए 01 यही मस्ट होगा, नहीं, 01 आप कुछ भी लिखिए 8 बार होना चाहिए, 01 आगे पीछे कहीं भी आप लिखिए 8 बार होना चाहिए। और इसमें भी 01 ए 1101, ये जरूरी नहीं कि हमने लिखा यही आप भी लिखिए, 01 किसी भी स्टेप में आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 00011, तो ये भी क्या है, एक निबल है। अगर 1000 हमने लिखा तब भी ये निबल है, तो 01 होना चाहिए, इसके सिवाय कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ तो देखिए वर्ड लेंथ क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर में किसी भी करेक्टर को, किसी भी वर्ड को प्रदर्शित करने के लिए जितने बिट की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग वर्ड लेंथ कहते हैं। तो मीन्स जैसे कोई वर्ड हम लोग लिखते हैं तो उस वर्ड में कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, उस वर्ड को कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, उसे हम लोग उसको वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड मीन्स कोई शब्द होगा, लेंथ मीन्स कितना बिट्स लेगा या बाइट लेगा। तो कंप्यूटर में किसी भी करेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए जितनी बिट की जरूरत होती है उसे उसे वर्ड लेंथ कहते हैं। जैसे हमने लिखा राम, देखिए राम है तो 1 2 3 करेक्टर है, तो आपको पता है हर एक करेक्टर 8 बिट का होता है, तो 8 3 24, तो 24 बिट्स होंगी। जैसे इसमें 8 खाना बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आप 01 भर दी, आर है मीन्स आर की जो आस्काई वैल्यू होगी उसको 2 से भाग देंगे तो जो बाइनरी आएगी उसको इसमें लिख देंगे। मीन्स आर की जो आस्काई वैल्यू होगी, 9th में हमने पढ़ाया था कि ए टू जेड की आस्काई वैल्यू 65 to 90 होता है कैपिटल लेटर की, और स्मॉल लेटर की आपका होता है 97 से 120 तक होता है, 122 तक होता है। तो अब आर होगा, आर की भी आस्काई वैल्यू होगी, उसे 2 से भाग दे देना तो जो आएगी बाइनरी उसमें लिख देना। जैसे ए है तो ए की आस्काई वैल्यू 65 होती है तो 65 की बाइनरी ए होती है, यम की आस्काई वैल्यू, तो ए आपका हो गया इतना। अब इसमें देखिए 8 3 का 24, टोटल कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 24, तो यही इसकी क्या हो गई, वर्ड लेंथ हो गया। क्योंकि एक करेक्टर 8 बिट का लेगा तो 1 2 3 है तो 8 8 का लेगा तो 8 3 24 बिट्स हो जाएगी। देखिए अगली हेडिंग है करेक्टर रिप्रेजेंटेशन। करेक्टर
रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम लोग करेक्टर प्रदर्शन कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि करेक्टर रिप्रेजेंटेशन को समझाइए। तो देखिए, करेक्टर रिप्रेजेंटेशन, करेक्टर मीन्स ए टू जेड, मीन्स जो भी कीबोर्ड में होता है। प्रदर्शन मीन्स उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर अपने सारे कार्य केवल बाइनरी संख्या पद्धति में ही करता है। हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर सिस्टम मीन्स जीरो और वन में ही करता है। कंप्यूटर में कोई भी वर्ड मीन्स कोई भी करेक्टर या वर्ड या कोई भी आपका अंक या कोई भी चिन्ह सभी कंप्यूटर में जीरो और वन के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। मीन्स क्या है, अगर कोई भी वर्ड है, वर्ड मीन्स ए टू जेड, या मीन्स कोई भी अंक है, अंक मीन्स जीरो टू नाइन, या कोई भी चिन्ह है मीन्स प्लस हो गया, माइनस, एस्ट्रिक, एटसेट्रा, ये सभी जो कंप्यूटर मीन्स आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज होती है मीन्स वर्ण, अंक, चिन्ह, जब कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है मीन्स इंटर कराया जाता है, तो वो जीरो और वन के फॉर्म में हमारा कंप्यूटर समझता है। मीन्स कंप्यूटर अपने सारे कार्य बाइनरी संख्या पद्धति में करता है, अर्थात जीरो और वन के रूप में करता है। क्योंकि हम लोग जब भी कभी कहते हैं कंप्यूटर क्या समझता है, तुरंत बताते हैं जीरो और वन समझता है। जीरो वन मीन्स बाइनरी, और इसके बाद कोई भी वर्ण, अंक, चिन्ह जब भी हम लोग कीबोर्ड से इंटर कराते हैं, इनपुट देते हैं, तो हमेशा कंप्यूटर जीरो और वन के फॉर्म में ही उसे समझता है। और इसी वर्ण और वंक को, वर्ण, अंक और चिन्ह को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए तीन प्रकार के कोड होते हैं, जो कोड हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि कंप्यूटर में ये सब चीजें कैसे कन्वर्ट होती हैं, कि कौन कौन से कोड होते हैं उनको पढ़ना है। तो देखिए, पहला आपका होता है बी सी डी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बी सी डी कोड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बी सी डी कोड को समझाइए या बी सी डी कोड के लक्षण को समझाइए। तो देखिए, बी सी डी कोड किसे कहते हैं, तो बी सी डी कोड का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। अब बीसीडी होता क्या है, तो देखिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल कि जो डेसिमल होता है मीन्स जीरो टू नाइन, उसको कोडेड किस फॉर्म में बदल देना है, बाइनरी के फॉर्म में मीन्स जीरो और वन के फॉर्म में। तो बीसीडी कोड दशमलव संख्या, दशमलव मीन्स डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में चार चार बिट्स के रूप में उसे प्रदर्शित करता है। कि बीसीडी कोड जो होता है, जो हमारा डेसिमल संख्या होती है जीरो से नाइन तक, इस संख्या को बाइनरी में चार चार बिट्स के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक टेबल है, टेबल समझा दे रहे हैं। देखिए टेबल क्या है इसकी, इधर आपका है डेसिमल डिजिट और इधर आपका है बीसीडी कोड। अब देखिए, जो डेसिमल है वो बीसीडी कोड में कैसे चेंज होगा, तो जो डेसिमल होता है जीरो से नाइन तक होता है, इसको आप लिख लीजिए,
अब चार चार बिट्स के रूप में कन्वर्ट करेगा तो देखिए जीरो की बाइनरी जीरो, तो कितने बिट्स कम पड़ रहे हैं, तीन, तो तीन जीरो आप बढ़ा दीजिए। और इसके बाद एक की बाइनरी एक होती है, कितने बिट कम पड़ रहे हैं, तीन, तीन जीरो आगे बढ़ा दीजिए आप। दो की बाइनरी वन जीरो, कितने बिट कम पड़ रहे हैं, दो, दो जीरो आगे बढ़ा दीजिए। तीन की बाइनरी वन वन, कितने बिट कम पड़ रहे हैं, दो, दो तो आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि बाइनरी मैंने आपको पढ़ाया था कि जीरो से फिफ्टीन तक की बाइनरी याद करना है। और फोर, फोर की बाइनरी वन जीरो जीरो होता है, कितने बिट्स कम है, एक, तब एक कम है, चार हो गया। फाइव की बाइनरी वन जीरो वन वन, फाइव की बाइनरी वन जीरो वन है, कितने बिट्स है, एक दो तीन, होने कितने चाहिए, चार, एक जीरो आगे बढ़ा दीजिए। सिक्स की बाइनरी वन वन जीरो, तीन है, एक बिट कम पड़। अब देखिए सेवन, सेवन की बाइनरी वन 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 होती है, तो एक बिट कम है, तो एक जीरो बढ़ा लीजिए। एट की बाइनरी वन जीरो 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 होती है, इसमें देखिए एक दो तीन चार, चार ऑलरेडी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइन की बाइनरी वन जीरो जीरो वन, इसमें चार बिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फोर थ्री वन, फोर हंड्रेड थर्टी वन को बीसीडी कोड में बदलिए, तो देखिए, देखिए फोर की बाइनरी वन जीरो जीरो होता है, वन जीरो जीरो तो एक बिट कम पड़ रहा है, एक जीरो बढ़ा लीजिए। थ्री की बाइनरी वन वन, तो एक दो जीरो कम पड़ रहा है, दो जीरो आगे बढ़ा लीजिए। वन की बाइनरी वन होता है, तो तीन जीरो कम पड़ रहा है, बढ़ा लीजिए। फिर इसको सबको यहाँ पर लिख दीजिए, तो यही आपका हो जाएगा बी सी डी कोड, यही आपका हो जाएगा 431 का बी सी डी कोड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, बी सी डी कोड मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, और डेसिमल को जब बाइनरी में बदलते हैं तो बीसीडी कोड चार चार बिट्स का समूह बनाता है, जो मैंने यहाँ पर आपका बताया, जीरो की बाइनरी जीरो, तो तीन जीरो कम पड़ रहे हैं तो बढ़ा लेंगे, तो ऐसे ही पूरा करना है। अब देखिए ASCII 8 है, ASCII 8 मीन्स यह 2 की पावर 8 मीन्स 256 करेक्टरों को प्रदर्शित करता है। ये जो ASCII 8 होता है 2 की पावर 8 मीन्स 256 करेक्टरों को प्रदर्शित करेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर देखिए 4 को हम लोग 8 को 4 प्लस 4 टू पार्टों में डिवाइड करेंगे, प्रथम 4 बिट आपकी जोन बिट होगी और लास्ट की 4 बिट आपकी डिजिट बिट होगी। अब यहाँ पर देखिए इसका मीन्स टेबल, तो देखिए प्रथम 4 है, 4 जोन बिट है तो जोन बिट फिक्स होती है, तो 4 है तो 4 जोन बिट मीन्स जोन बिट आपकी 4 की बाइनरी 100 एक जीरो आगे बढ़ा लेंगे तो 4 बिट हो गया। 0 की बाइनरी 0 4 बिट होना चाहिए, 4 लिख देंगे, जैसे ASCII सेम है ASCII 7 वैसे ही सेम इसमें भी है। अब इसके बाद देखिए फिर यही जो 4 है 4 सम में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड कोड आपका आता है EBCDIC कोड। अब इसके बाद देखिए तीसरा कोड है EBCDIC कोड, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। EBCDIC कोड का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। अब देखिए
अब इसका जो आस्काई 8 है सेम वही आपका EBCDIC कोड का होता है, क्योंकि इसमें भी ये भी जो EBCDIC कोड होता है 2 की पावर 8 मीन्स 256 करेक्टरों को प्रदर्शित करता है। और जो EBCDIC कोड होता है इसमें भी 4 प्लस 4 प्रथम 4 बिट जोन बिट होती हैं और लास्ट की 4 बिट आपके डिजिट बिट होती हैं। और जो EBCDIC कोड होता है इसका उपयोग बड़े बड़े कंप्यूटरों में किया जाता है, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, वहां पर आपका आस्काई कोड ना यूज होकर EBCDIC कोड ही यूज होता है। और जो एक कोड होता है, एक कोड मीन्स अंक वर्ण तथा चिन्हों को बाइनरी में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए EBCDIC कोड का मीन्स जो टेबल है, तो देखिए इसमें प्रथम 4 बिट है, तो प्रथम 4 बिट जोन बिट है तो फिक्स होगा, 4 की बाइनरी 100, बिट कितनी होनी चाहिए 4, तो 10 आगे बढ़ा लेंगे तो 4 बिट हो जाएगी। ऐसे ही आपका सम में कॉमन होगा, बाकी 0 की बाइनरी 0, 3 जीरो आगे बढ़ा लेंगे तो 4 बिट हो जाएंगी, ऐसे 1 की बाइनरी 1, 3 जीरो आगे बढ़ा लेंगे तो 4 बिट हो जाएंगी। तो ये आपका है, आज हमने आपको कोड पढ़ाया, बिट्स पढ़ाया। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी अर्थमैटिक। तो डेस्कटॉप पैनल क्या होता है? डेस्कटॉप क्षेत्र के नीचे की पट्टी को डेस्कटॉप पैनल कहा जाता है। इसके दाएं भाग में एक घड़ी बनी होती है जिस पर समय दिखाई देता है। दूसरा देखिए जीनोम, जीनोम का फुल फॉर्म JNU ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट होता है। और यह भी लाइनक्स में चलाया जाने वाला एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप होता है। इसके नीचे की पट्टी डेस्कटॉप पैनल में एक 4 अंगुलियों वाला पैरों का चित्र बना होता है जिसमें जीनोम लिखा होता है, जिसे हम लोग जीनोम का लोगो कहते हैं। जब कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहता है तो जीनोम के लोगो पर क्लिक करता है, जिससे एक मेनू खुल जाता है जिसकी सहायता से किसी भी प्रोग्राम को शुरू किया जा सकता है। अब जीनोम डेस्कटॉप के भी 2 भाग होते हैं, डेस्कटॉप क्षेत्र, डेस्कटॉप पैनल। तो डेस्कटॉप क्षेत्र कंप्यूटर स्क्रीन का वह भाग होता है जहां से उपयोगकर्ता किसी भी प्रोग्राम का उपयोग करता है, और इसमें डेस्कटॉप क्षेत्र में छोटे छोटे आइकन बने होते हैं जिसे कीबोर्ड तथा माउस दोनों द्वारा संचालित कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पैनल क्या होता है? डेस्कटॉप पैनल डेस्कटॉप क्षेत्र के नीचे की जो पट्टी होती है उसे डेस्कटॉप पैनल कहते हैं, और इसके दाएं भाग में एक घड़ी बनी होती है जिस पर समय दिखाई देता है। अब देखिए 7 की बाइनरी 111 होती है, तो 1 बिट कम है तो 1 जीरो बढ़ा लीजिए। 8 की बाइनरी 1000 होती है, इसमें देखिए 1 2 3 4 ऑलरेडी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 की बाइनरी 1001 इसमें 4 बिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 431 को BCD कोड में बदलिए, तो देखिए 4 की बाइनरी 100 होता है, 100 तो 1 बिट कम पड़ा है, 1 जीरो बढ़ा लीजिए। 3 की बाइनरी 11 तो 2 जीरो कम पड़ा है, 2 जीरो आगे बढ़ा लीजिए। 1 की बाइनरी 1 होता है तो 3 जीरो कम पड़ा है, बढ़ा लीजिए। फिर इसको सबको यहाँ पर लिख दीजिए तो यही आपका हो जाएगा BCD कोड, यही आपका हो जाएगा 431 का BCD कोड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? BCD कोड मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, और डेसिमल को जब बाइनरी में बदलते हैं तो BCD कोड 4 बिट्स का समूह बनाता है,
जो मैंने यहाँ पर आपका बताया जीरो की बाइनरी जीरो, तो तीन जीरो कम पड़ रहे हैं तो बढ़ा लेंगे, तो ऐसे ही पूरा करना है।